तो सबसे पहले दे सकते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। और आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दे सकते हैं, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जो है सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे अपने, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, मैं टैप कर देता हूँ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल आ चुका है। यहाँ पर इसमें ओपन कर देता हूँ। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगी, तो इसको मैं पहले फुल वर्जन में कर लेता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आप जो है स्मॉल आइकन्स पर आप क्लिक कर दें, जिससे फुल वर्जन में आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको दे सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा फाइल हिस्ट्री का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दे सकते हैं फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे नीचे दे सकते हैं सिस्टम इमेज बैकअप, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ए सिस्टम इमेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं ये सर्चिंग डिवाइस शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ये अपने आप फाइंड कर लेगा कि आपका जो बैकअप है किस में स्टोर करना है। अपने हिसाब से जो भी इसका जो जितना भी आपका बैकअप है उस हिसाब से अगर कोई स्टोर यहाँ पर आपको अवेलेबल है तो ये कंप्यूटर अपने आप फाइंड कर लेगा। अगर आप जो पेन ड्राइव में अपना बैकअप लेना चाहते हैं, किसी अदर डिवाइस में आप लेना चाहते हैं, जैसे पेन ड्राइव हुआ, तो या आप दोस्तों अपने सीडी में जो स्टोर करना चाहते हैं, सीडी डीवीडी किसी में भी, तो यहाँ पर आप उसे लगा के रखिए जिससे ये फाइंड कर पाए। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, ये फाइंड कर लेगा। और फाइंड करने के बाद आपके सामने जितने भी यहाँ पर स्टोर हैं अवेलेबल इस बैकअप के लिए, तो वे सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी बैकअप स्टोर कर सकते हैं। दे सकते हैं यहाँ पर फाइंड करके आ गया है। यहाँ पर एक जो है ड्राइव दिखा रहा है ई, और इसके अलावा मैं आपको खोल के दिखा था कौन कौन ड्राइव दिखा रहा है। दो ड्राइवें दिखा रहा है यहाँ पर, पहले ड्राइव दिखा रहा है डी और दूसरा दिखा रहा है ई। इन दोनों जो ड्राइव हैं इनमें मैं अपना बैकअप जो है वो यहाँ पर रख सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं लगाया, अगर दोस्तों आप पेन ड्राइव में लेना चाहते हो तो आप अपनी पेन ड्राइव को लगा के रखिए। अगर आपकी पेन ड्राइव में इतना स्पेस है जितना ये बैकअप का जो साइज है, तब आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर शो होगी, और तब आप जो अपने पेन ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं यूज करूँगा अपने जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड डिस्क का यूज करूँगा, और यहाँ पर जो है मैं सिस्टम हार्ड डिस्क जो ई आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद दे सकते हैं आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किन किन जो है ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो बाई डिफ़ॉल्ट हैं वो तीन ड्राइवें यहाँ पर आपको जो पहले से यहाँ पर सिलेक्ट मिलेंगी, जिन्हें आप हटा नहीं सकते। पहली ड्राइव जो होगी विंडो सी की होगी, जिसमें विंडो इंस्टॉल है, तो वो उसका तो बैकअप आपको लेना ही होगा, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। इसके अलावा जो सिस्टम पार्टीशन है और यहाँ पर कुछ विंडो की और फाइलें हैं, ये जहाँ पर जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। इसके अलावा आपकी जो कोई अदर जहाँ पर ड्राइव बनी हुई है, पार्टीशन कर रखा है आपने, जैसे दे सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइव डी आ रही है इसका मैं बैकअप लेना चाह रहा हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पर टिक मार दूंगा। अगर आप जो केवल जो है विंडो की फाइल का ही बैकअप लेना चाह रहे हैं, कोई अदर बैकअप नहीं लेना चाह रहे हैं किसी अदर ड्राइव का, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसा यहाँ पर आप वैसे छोड़ दीजिए, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए यहाँ पर। और इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर दे सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं इतनी ड्राइव का यहाँ पर बैकअप लेना है, और ये जो बैकअप है वो जो सिस्टम ई जो ड्राइव है उसमें सेव हो जाएगा, ये बता रहा है। इसके बाद ये सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट बैकअप, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट बैकअप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दे सकते हैं जो बैकअप है वो स्टार्ट हो चुका है, और कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, जितना आपका जो फाइल है, अगर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह ज़्यादा इंस्टॉल कर रखे हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो उतना यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दे सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, तो जैसे ये बैकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये बैकअप जो है किस तरह से जो है मेरी ड्राइव ई में सेव हो चुका है। जैसे बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है डू यू वॉन्ट टू क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप जो है बूटेबल जो है अपना एक सिस्टम रिपेयर डिस्क भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपके जो लैपटॉप या पीसी है उसमें जो है एक ब्लैंक सीडी या डीवीडी लगा होना चाहिए, और यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देंगे यस पर, तो उसके बाद जो है आपकी बूटेबल सीडी बन जाएगी, जिसके मदद से आप जो है अगर आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है, तब ऐसे ही में आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं उस सीडी की मदद से। आपको लगा देना सीडी, उसके बाद बूट के द्वारा जो है आपका जो कंप्यूटर है आपका लैपटॉप है वो जो है रिपेयर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो है मेरे कंप्यूटर में कोई किसी प्रकार की जो है ब्लैंक सीडी नहीं लगा हुआ, तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं द बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली, जो बैकअप है जो मैंने सिस्टम इमेज बनाया था वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुका है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ अपनी ड्राइव में, देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइव आ चुकी है। यहाँ पर जो है मैंने ई में अपना जो बैकअप सेव किया था, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ।
ये दे सकते हैं। यहाँ पर जो बैकअप आ चुका है दे सकते हैं विंडो इमेज बैकअप यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। और तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी ओरिजिनल विंडो का बैकअप ले सकते हैं, फुल बैकअप ले सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर में कभी भी कंप्यूटर जो है वर्क सही से नहीं करे तो आप जो अपने बैकअप के थ्रू अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर पाएँ और आपका कंप्यूटर पहले जैसा हो जाए। तो इस तरह से आपको बैकअप लेना है जैसे आज की वीडियो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत रह गई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।